जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई एसएससी ने यहाँ पर आप लोगों के लिए 25,271 पदों पर वैकेंसी की घोषणा की है, लेकिन दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिससे कि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नाराज में हैं एसएससी से कि इतनी कम वैकेंसी क्यों आई है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का बिल्कुल भी नहीं पता है, वो बात क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इन वैकेंसी को दोस्तों कभी भी आयोग की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों पूरे विस्तार से बात करेंगे कि दोस्तों आपकी जो वैकेंसी हैं उनको कब तक बढ़ाया जाएगा और दोस्तों वैकेंसियों की संख्या कितनी रहेगी, यानी नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी वो कितनी रहने वाली है, ताकि दोस्तों आप सभी को एक एक्यूरेट डाटा का पता चल सके कि हाँ हमारी जो वैकेंसी है एक्यूरेट जो वैकेंसी है वो दोस्तों कितनी रहेंगी, ताकि दोस्तों आप भी एक पूरा एनालिसिस कर पाएँ कि हाँ इतनी हमारी वैकेंसी हैं और इतने पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जब भी वैकेंसी निकलती हैं तो दोस्तों जो बोर्ड होता है वो कभी भी रिसेंटली कभी भी दोस्तों अपनी जो दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन होता है उसमें बदलाव कर सकता है। ठीक है, ये दोस्तों नहीं बोला कि आपकी जो वैकेंसी है वो दोस्तों नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल दोस्तों आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी, उसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि वैकेंसी आपकी कब तक बढ़ेंगी और कितनी वैकेंसी बढ़ने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है उनकी संख्या कितनी होने जा रही है। तो दोस्तों इससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि भाई फ्री कोई हमारे लिए क्या यहाँ पर दोस्तों मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में दोस्तों जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ओलाई बोर्ड की तरफ से आपको फ्री में भारतीय संविधान का दोस्तों पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों जो पूरा ई बुक है वो बिल्कुल दोस्तों फ्री में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आप दोस्तों बिल्कुल फ्री में इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब दोस्तों डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो दोस्तों जल्दी जाइए इसको दोस्तों बिल्कुल अभी में बिना किसी पैसे के दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको दोस्तों ये जो ई बुक है वो मिल रहा है ओलाई बोर्ड की तरफ से, तो दोस्तों जल्दी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने पूरी ई बुक डाउनलोड हो जाएगी और इसे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी भी एग्जाम में एसएससी जीडी के एग्जाम में आप दोस्तों और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो जल्दी जाइए दोस्तों, इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, प्रूफ के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखा देता हूँ कि भाई आपकी जो वैकेंसी हैं वो दोस्तों बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं, ये दोस्तों निकल के सामने आया है, बिल्कुल दोस्तों एक्यूरेट डाटा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप सभी सबसे पहले इस वाले लाइन को आप पढ़ेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है कि देखिए काफ़ी लंबे समय बाद आई इस भर्ती में पदों की संख्या 40,000 से अधिक रहने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, लेकिन हाल ही में जारी नोटिफिकेशन में इसके पदों की संख्या 25,271 बताया गया है, लेकिन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पदों की संख्या में कभी भी बदलाव किया जा सकता है। इस लाइन को दोस्तों आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा तो आपको लगा कि भाई आपकी जो वैकेंसी है वो कभी भी दोस्तों बढ़ सकती है, यानी आपकी वैकेंसी में दोस्तों कभी भी बदलाव किया जा सकता है, आपकी वैकेंसी दोस्तों कभी भी बढ़ सकती है। अब देखिए दोस्तों इसमें बात की गई है, वहीं इसकी परीक्षा आगामी नवंबर दिसंबर महीने में आयोजित कराई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो परीक्षा है वो नवंबर दिसंबर महीने में कराई जा सकती है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए कि आप मुझसे पूछते हैं बार बार कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम कब होगा, तो नवंबर दिसंबर महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ये दोस्तों एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करें और बिल्कुल अच्छे से दोस्तों आप इसका एग्जाम निकाल पाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया है कि भाई आखिरकार दोस्तों जो वैकेंसी हैं ये कभी भी इंक्रीज हो सकती हैं और दोस्तों इनको कभी भी बढ़ाया जा सकता है, तो ये ना समझे कि भाई वैकेंसी कम है, तो फ्रेंड्स वैकेंसी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे भी दोस्तों वैकेंसी को इंक्रीज हो सकती हैं। और फ्रेंड्स बस आपका फोकस जो मेन टारगेट है आपका वो दोस्तों होना चाहिए ओनली एग्जाम पर कि आपका एग्जाम कैसे जाएगा, वो दोस्तों बाद की बात है, भाई वैकेंसी बढ़ेंगी तो फ्रेंड्स वो आपको भी पता चल जाएगा और इसमें आपका भी दोस्तों बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ दोस्तों ओनली दोस्तों आपका फोकस होना चाहिए एग्जाम पर और एग्जाम को कैसे क्रैक करना है
वो दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले बना दिया है, और आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितना टाइम आपको किस बुक को देना है, वो भी दोस्तों मैंने एनालिसिस करा दिया है। दोस्तों ये लोग हैं, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे आपसे, लेकिन इनकी बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है, बस आपको खुद पर भरोसा करना है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। अगर दोस्तों ठान लें तो आप आसमान में भी दोस्तों छेद कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए दोस्तों एक शिद्दत से ऊपर पत्थर उछालना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे आराम से बाबू सोना से बात कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो दोस्तों होने का नहीं है। अगर आप बाबू सोना के चक्कर में रहना चाहते हैं तो दोस्तों मोबाइल पर रहिए, लेकिन जिन लोगों ने अपने माँ बाप का सपना देखा है कि हाँ हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, उनकी उम्मीदों को दोस्तों पूरा करना है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी को मन लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी और इन बाबू सोना को साइड में रखकर दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी, वरना दोस्तों आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, वर्दी एक बार वर्दी दोस्तों सही पर आने के बाद बाबू सोना सब भूल जाओगे, ये दोस्तों मेरा दावा है। बस आप इन किताबों से दिल लगाइए, बाबू सोना से दिल बाद में लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना ही मैं आपसे बोलूँगा, बस आप अपने आप पर फोकस करें, ये बाबू सोना आपको लाइफ टाइम दोस्तों यहाँ पर आराम से ज़िंदगी नहीं जीने दे सकती हैं। इनका काम सिर्फ दोस्तों 2 या 3 साल तक रहेगा आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद आपसे कोई ये नहीं सोचेगा, ना आपसे ये कोई पूछेगा कि भाई आपकी कितनी बाबू सोना है, आपसे वो ये पूछेगा कि लड़का क्या जॉब करता है, उसने अब तक कितना पैसा कमाया है, उसके पास क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये समझें, अगर आप भी अभी तक नहीं समझ पाएँ तो प्लीज़ दोस्तों जागें और अपने मेन टारगेट की ओर अचीव करें, पूरा दोस्तों ध्यान अपने मेन टारगेट पर लगाएं, ना कि दोस्तों इन फालतू चीज़ों पर, क्योंकि दोस्तों आज का यूथ इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ये बात की है। आखिरकार दोस्तों आपकी समझ में मेरी बात अच्छे से आ गई होगी। तो दोस्तों थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।